और ऊपर से जेसीबी से मिट्टी गिराई जाएगी इस पे, तो दोस्तों लग गया है 4 लाख दाव पे। तो दोस्तों यहाँ पे सारा सीन रेडी हो गया है, जेसीबी लग तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है मेन विलन का मेकअप, और मेन विलन का मेकअप कर रहे हैं मेन लीड की हीरोइन। तो दोस्तों कैमरा रेडी हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं लोकेशन पे जहाँ शूट होगा, और जेसीबी वहाँ पे खड़ी है और पीछे सारे एक्टर देखिए भीड़ लगाए हुए हैं। ये देखिए मेन विलन के बेटे जा रहे हैं, तो आइए आपको सबसे मिलवाएंगे अभी बारी बारी से। तो दोस्तों जेसीबी को अभी उसके सही पोजीशन पे किया जा रहा है क्योंकि फ्रेम बन चुका है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ विलन के भाई की हो गई है पिटाई, और किसने किया पिटाई? कौशल भाई। हाँ, यहाँ हो गया विलन के भाई की पिटाई, और कौशल भाई ने तोड़ा है और फोड़ा है। तोड़ा नीचे है, वो फोड़ा ऊपर है, अभी मरोड़ने की बारी है, बारी है। तो दोस्तों यहाँ पे सारा सीन रेडी हो गया है, जेसीबी लग गई है, सारे एक्टर आ चुके हैं, बस शूटिंग स्टार्ट करना है। रेडी? इधर इधर साइड में तो गुंडावत है, और दूर और हीरा बेचारा कुछ नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डिस्कस हो रहा है, और अभी देखते हैं सीन आपको। दोस्तों अभी दो टेक ले चुके हैं, क्लोज और मिड, मास्टर अभी बाकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं हीरो का टेक लेने। हीरो रेडी है? लेडी भयवंग मल्ले आते हैं। हीरो इतना बीड़ी हो चुका अभी तक, पांचवा छठवा होगा। तो दोस्तों शूटिंग के चक्कर में बीड़ी बीड़ी बीड़ी। तो दोस्तों अभी हीरो को लगने वाली है गोली, यहाँ पे फ्रेम बनाया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं हीरो को लगेगी गोली, उसके बाद दफनाया जाएगा दोनों को। दोस्तों तो ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, और ये आएगा वीडियो जय फिल्म खलीलाबाद यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अभी स्लो मोशन का शॉट लिया जा रहा है, जेपी भैया शॉट ले रहे हैं, हम बाकी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आइए इनसे मिलते हैं। अब किरके मरी दोनों जनी ने। तो दोस्तों इस बार दोनों लोग मरेंगे, और रजनी मर के जिंदा हो गई, इसे कोई मार नहीं सकता। जे कोई नहीं मार, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हीरो मरने वाला है, और इसको लगाया जा रहा है खून। दोस्तों अभी लास्ट सीन लेने जा रहे हैं हम लोग यहाँ दफन करने का, और हो गया एकदम से शाम, नाइट हो गया, पहले वाले स्टोरी में जैसे दफन कर रहे थे हम लोग उससे कुछ डिफरेंट, और इसमें अभी देखिएगा आप लोग किस तरह से होता है। ऊपर ऊपर दोस्तों यहाँ पे मशीन चल चुका है, और इधर दोनों भैया लगे हुए हैं, और आज के मेन विलन है हमारे बड़े भैया डायरेक्टर जी, देख सकते हैं मेन विलन है आज के, और भैया कैमरा हैंडल कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा इसका और गहराई किया जा रहा है, यूनिक शॉट होने जा रहा है, हम लोग कैमरा यहाँ पे रखेंगे, और ऊपर से जेसीबी से मिट्टी गिराई जाएगी इस पे। तो दोस्तों लग गया है 4 लाख दाव पे। तो अभी देखिए दोस्तों कैमरा हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, रिस्क बहुत बड़ा है दोस्तों, और अगर माटी का वजन ज्यादा हुआ तो आप लोग जान सकते हैं क्या होगा। तो वीडियो को जरूर देखिएगा जय फिल्म खलीलाबाद यूट्यूब चैनल पे, बहुत ही तगड़ी स्टोरी है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना रिस्क लेकर यहाँ पे कैमरा नीचे रखा गया है, और भैया इधर पकड़े हुए हैं, और कैमरा नीचे अगर थोड़ा भी मिट्टी गिरा इस पे तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इतना रिस्क लेने के बाद कैमरा फाइनली यहाँ पर निकल चुका है, इसमें भी थोड़ा बहुत मिट्टी लग चुका है, तो भैया इसको साफ कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्क लिया गया था और इसमें मिट्टी भी लग चुका था, अब साफ हो चुका है। और फिर से हम लोग बाहर का कुछ शॉट निकाल रहे हैं, यहाँ पे स्लोमो का शॉट है, और यहाँ पे बहुत ही प्यारा आएगा, आप लोग वीडियो में जरूर देखिएगा, ये वीडियो आएगा
जय फिल्म खलीलाबाद यूट्यूब चैनल पे। तो हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोगों की शूटिंग कंप्लीट हो गई। देख सकते हैं खून से लथपथ दोनों लोग, और इनको जिंदा ही गाड़ दिया गया है। और बहुत ही शानदार स्टोरी है, स्टोरी को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा जय फिल्म्स खलीलाबाद यूट्यूब चैनल पे। और बहुत ही इमोशनली स्टोरी है दोस्तों, एक बार फिर से बोलते हैं जय फिल्म्स खलीलाबाद। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको टच करिए। कुछ कहना चाहेंगे? सब्सक्राइब करके रखिए ताकि चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारा स्टोरी बहुत प्यारा शूट है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। तो आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक रेस्टोरेंट है, तो ये हाईवे पे है, मेन हाईवे पे नेदुला चौराहे पे। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, बहुत सारे खाने पीने की भी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। तो दोस्तों ड्रेस हो गया यहाँ पे चेंज, और अभी हम जा रहे हैं दूसरा शॉप लेने नीचे। और नीचे का लोकेशन थोड़ा डार्क डार्क है दोस्तों। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, और अंदर का लोकेशन कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, एकदम से डार्क डार्क है। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे शॉट रेडी कर दिए हैं, बस शूट करना है। अभी सेटअप लग चुका है, नीचे लाइट कलर वाली लग रही है, इसके बाद हम लोग शूट करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों शॉट। ओ बारिश आ गई, बारिश बारिश बारिश। देख सकते हैं दोस्तों शॉट। ओ बारिश आ गई, बारिश बारिश बारिश। यहाँ पे होने लगी है जबरदस्त वाली बारिश, इसलिए हम लोग यहाँ पे शूट बंद कर दिया, और यहाँ पे सब लोग रुक गए हैं। अभी दोस्तों मोबाइल भीग जाएगा अगर ज्यादा आगे जाएंगे। देखिए बारिश, क्योंकि हम लोग यहाँ छांव में आपको बारिश दिखाते हैं इस साइड। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे शूट कर चुके हैं, और ये है शालीमार दरबार। यहाँ से शूट करके हम लोग अभी निकल रहे हैं, क्योंकि ये बारिश हो गई है। अब लोग स्टूडियो पे जाएंगे, हम आउटडोर का शूट हो नहीं पाएगा। दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे स्टूडियो, क्योंकि आउटडोर शूट करने लायक नहीं है, बारिश बहुत ही जबरदस्त हुई है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट में, दूसरा शॉट लेना है। तो अभी सब लोग खा रहे हैं खाना, लग गई थी भूख। और ये है इडली, साउथ इंडियन भोजन, इडली इडली और सांभर। इसके बाद डोसा खाना है, डोसा खाना है इसके बाद। तो इडली का मजा लेते हैं ब्लॉग में बने। तो अभी हम लोग आ गए हैं शूट करने बाहर, अंदर मेकअप चल रहा है, और चलते हैं कैमरा और गिम्बल सेट करते हैं और शूटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे हो रहा बिलन के भाई का मेकअप, देखिए। अभी ये यहाँ पे पिटेंगे, पिटने के बाद जाएंगे अपने भाई को बताएंगे, लोग हमको तूर दिए। मेन विलन कहाँ है? और मेन विलन यहाँ दोस्तों, मेन विलन का लुक एकदम से हो गया है चेंज, क्योंकि इनका जितना भी सीन था हम लोग निकाल दिए हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी में देखेंगे तो हमारा लुक बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा बड़ा बाल, आंखों में काजल, बहुत सारी चीज़ें देखना मत भूलिएगा, देखिएगा जरूर। और ये आएगा जय फिल्म खलीलाबाद। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जय फिल्म खलीलाबाद यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग शूटिंग स्टार्ट कर दिए हैं। अभी यहाँ पे मोनू का सीन है, ये जाएंगे बाइक लेके, और वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पीएंगे थोड़ा सा आगे। लोग यहाँ बीच रोड में सीन ले रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट हम लोग पटाख से यहाँ से शूटिंग करके निकलेंगे। अभी देखिए हमारा शॉट निकल गया है। दोस्तों अभी मोनू का सीन हो गया है ख़त्म, रजनी और कौशल का सीन है, वहाँ से वो लोग चल के आएंगे और मोनू यहाँ से क्रॉस करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे आइसक्रीम का सीन, तो आइसक्रीम वाला आ गया है। तो दोस्तों बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, और जुगाड़ से काम हो रहा है, कैमरे को ढक के फिर हम लोग शॉट निकाल रहे हैं आइसक्रीम का। मैं खा रहा हूँ आइसक्रीम। कौन सा आइसक्रीम चाहिए? कुप्पी वाला खाया जा रहा है। कुप्पी वाला कहो बिलन। तो हम लोग आ चुके हैं दूसरे लोकेशन पे। हाँ, सही कह रहे हैं। कोपिया घाट, यहाँ पे इनका गाना आया था छठ वाला, छठ वाला गाना बहुत ही प्यारा गाना था, और बहुत ही अच्छा चला भी था। तो ये स्टोरी उससे भी अच्छी होने वाली है। भूख लग गया? अच्छा, मतलब पता भी नहीं कि भूख लगल।
तो दोस्तों चलिए शूटिंग करते हैं। उधर देखिए कुछ और लोग शूट कर रहे हैं, तो उस साइड हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इसी साइड पे शूट करेंगे। चिप्सिया पहले खा, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे रजनी खा रही है चिप्स। तो दोस्तों चिप्स में नाइट्रोजन गैस होता है, कौशल जी का कहना है, जैसे कि इसको कुरकुर रखने के लिए। अच्छा, भरा जाता है। तो दोस्तों शूटिंग करते करते मेरा ड्रेस हो गया चेंज, मेरा सीन नहीं है, सीन है मोनू का, मेरा वाला शर्ट वो पहने हैं और हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं। यहाँ पे सीन है रजनी और कौशल बैठे रहेंगे, मोनू जाएंगे और कौशल थोड़ी देर के लिए गायब होते हैं, तो मोनू जाएंगे रजनी को छेड़ेंगे, उसके बाद होगा फाइट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं शॉट देखा जा रहा है। यही है त्रिभागी, की बोलोगी खाली कुत्ता कमीना, कुत्ता कमीना नीच दुष्ट पापी नालायक जवान बड़ा निकालने वाले अधर्मी दुराचारी जो कहना है दुष्ट। पता क्या करना है, जैसे ऐसे निकाल के ऐसे गए ऐसे तुरंत गुस्से में खड़ा हो गया है, क्या कर रहे हैं दुष्ट कहीं के, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम यहीं पे भस्म हो जाओगे। सीन मजेदार होने वाला है, रजनी यहाँ पे बोलेगी हाउ डे यू। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं तालाब के दूसरे साइड, यहाँ पे एक शॉट लिया जा रहा है कि रजनी को वहाँ सब छेड़ते हैं और यहाँ पे आके रजनी शिकायत करती है कौशल से, और यहाँ से भी जाएंगे कौशल और मोनू को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे फोड़ेंगे, उसके बाद जाके डॉक्टर उनको जोड़ेंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और पूरा वीडियो देखने के लिए जय फिल्म खलीलाबाद। उस पर ऑलरेडी एक स्टोरी बहुत ही धमाकेदार दोस्तों पड़ चुकी है, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों अभी क्लाइमैक्स का सीन चल रहा है और हमारा कैमरा वहाँ लगा है, अगर फिसल गए गलती से तो जाएंगे नीचे। रेडी मोनू? तो दोस्तों एक्टर रेडी, कैमरा रेडी, आइए करीब से दिखाते हैं आपको। हाँ फाइनल और क्या हुआ, उधर फेंकना था। तो दोस्तों अभी फाइनल और लास्ट वाला सीन चल रहा है क्लाइमेक्स का, इसके बाद स्टोरी खत्म हो जाएगी, शूटिंग भी खत्म, बस एक और शॉट लेना है जो इंडोर का है, उसको लेकर के आज हम लोग पैकअप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ का सीन पूरी तरह से फाइनल हो गया और जो भी शूटिंग हुआ है बहुत ही शानदार शूटिंग हुआ है। अब सभी लोग चल रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं, हाँ सब लोग दिखे हैं, तो सभी लोग आ रहे हैं पूरी टीम और चल रहे हैं यहाँ से। यहाँ से कहाँ चलना है? यहाँ से चलना है घर पे शूटिंग करने बोलबम के गाने की। बोलबम के गाने की शूटिंग होगी और सेटअप वटअप लगाया जाएगा, बहुत तगड़ा वाला सेटअप जो कल आप लोग वीडियो में देखे थे और पेड़ वगैरह बनाए थे सब इसमें यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में इसी तरह से बने रहिए, अब सीधे चलते हैं, हम लोग की गाड़ी आगे खड़ी है तो वहाँ पे चलेंगे और जानते हैं इनसे कि शूटिंग कैसा लगा। अरे दीदी है फोन पे, क्योंकि काफी देर से फोन उठ नहीं रहा था ना, तो इसलिए ऊपर तो दोस्तों चलते हैं, अभी व्यस्त हैं, कुछ सीरियस मैटर पे बात हो रहा है, तो हम निकलते हैं सीधे अपने गाड़ी की तरफ, चलिए फास्ट।